मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। एक पुलिस कर्मचारी का हमारे सामने बहुत ही बड़ा मामला आ रहा है, जहाँ पर एक पुलिस कर्मचारी जो कि महिला है वो अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी ड्यूटी कर रही है। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, कहाँ से आ रहा है, उसके बारे में हम बताएंगे, उनका नाम क्या है, उनकी समस्या क्या है, उसके बारे में हम आज की न्यूज में आपको बताने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये पूरा मामला हमारे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से आ रहा है, जहां पर पूजा नाम की एक सिपाही है जो कि लगातार एक्चुअली में रोड जोन क्षेत्र में अभी वहां पर तैनात है और 12 घंटे की ड्यूटी कर रही है। उनका एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का और उसको गोद में लेके वो ड्यूटी कर रही है 12 घंटे का। जब उनसे बात की गई तब उन्होंने ये चीज बताया कि उनके जो पति है पुष्पेंद्र वो कानपुर में तैनात है और वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, और जो उनकी सास है, जो उनका ससुराल है, वो भी कानपुर में है। लॉकडाउन के चलते हुए उनकी सास भी वहीं पर फंसी हुई है, वो यहाँ पर नहीं आ सकती, जिसके कारण जब बच्चा सो रहा होता है तब वो पड़ोसी के घर पे छोड़ के आती हैं, पर बच्चा जब उठ जाता है तब काफी ज्यादा रोता है, जिसके कारण उसे मुझे ही लेके आना पड़ता है। ऐसे चलते हुए वहां के बड़े ऑफिसर्स ने काफी सारी समस्या को देखा, जो कि सिपाही हैं, जो लेडी कांस्टेबल हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये भी सब चीजें बोली गई है कि अगर उनको समस्या है इस चीज से, अगर वो सुरक्षा नहीं कर पा रही है अपने बच्चे का और अगर अपने बच्चे को देखभाल नहीं कर पा रही है तो वो हमें अपनी समस्या बताएं, उनका घर के पास ड्यूटी या तो उनकी थाने में ड्यूटी लगा देंगे, जिसके कारण वो अपने बच्चे की भी देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, आगे की भी और भी अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।